देखो गाइस, जब स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी का टीजर आया था ना, अभी उसको देखते ही मेरे अंदर का एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ गया था। फिर इसका ट्रेलर है, उसका ट्रेलर देखते ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। रियली गाइस, मैं इस सीरीज का रिव्यू ऑन टाइम डालना चाहता था, लेकिन ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं इसका रिव्यू अब डाल रहा हूं, इसलिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। गाइस, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा कि मिर्जापुर सीजन 2 को देखने से ज्यादा मजा मुझे स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी देखते टाइम हुआ था। गाइस, ये सीरीज का ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स एकदम परफेक्ट थे। देखो गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिर्जापुर सीजन 2 और स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी को कंपेयर कर रहा हूँ, बस मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो प्लीज गाइस, भड़कना मत। स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी की बात की जाए तो ये सीरीज प्योरली एक मास्टरपीस सीरीज है। गाइस, ये सीरीज को देखते टाइम ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड वेब सीरीज देख रहा हूँ। मतलब यार, ये सीरीज का मेकिंग एकदम डिफरेंट लेवल का था। ये सीरीज के स्क्रिप्ट को बहुत ही रिचली क्राफ्ट किया गया था, सीरीज को बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, कैरेक्टर डिजाइन, मेकअप और कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन को बहुत ही बारीकी से सीरीज में दिखाया गया है। एक्टिंग परफॉर्मेंस पूरे कास्ट का बहुत ही लाजवाब था, सारे एक्टर्स अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से फिट नजर आ रहे थे। स्पेशली गाइस, श्रेया धन्वंतरी, प्रतीक गांधी और साथ ही साथ रजत कपूर, जिनको बहुत ही कम स्क्रीन स्पेस जरूर मिला है, इतने ही कम स्क्रीन स्पेस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का कैरेक्टर निभाते हैं, गुजराती एक्शन में बोलने का तरीका और चलने का एटीट्यूड लीव हो जाता है कि वो सच में हर्षद मेहता है। इसका बैकग्राउंड को तो जान है, इसका टाइटल बहुत ही मीनिंगफुल है गाइस। स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग और सस्पेंस रिवीलेशन एकदम जबरदस्त था। सीरीज का डायलॉग्स भी एकदम कमाल का था। सीरीज के मेकर्स मुंबई अर्ली 90s और 80s को दिखाने में सफल हुए। गाइस, ये सीरीज का लट या फिर कह सकते कि कलर ग्रेडिंग जो कि अर्ली 90s वाले मुंबई को बहुत ही प्योरली डिफाइन करता है। देखो गाइस, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस सीरीज में जो भी हर्षद मेहता की लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स बताए गए वो 100% ट्रू है, लेकिन इस सीरीज को देखकर और इसके फैक्ट्स को एनालाइज कर ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो गाइस, अभी ये सीरीज में इतने सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है ना कि नेगेटिव एलिमेंट्स बचते ही नहीं है। फिर भी गाइस, ये सीरीज में टॉप व्यू के मुंबई के 2-3 बिल्डिंग्स और साथ ही साथ बर्ड्स का VFX और CG थोड़ा नोटिसेबल और वीक लगा है। और गाइस, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और जॉबर्स, ब्रोकर्स और मार्केटिंग के बारे में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो ये सीरीज आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है। और गाइस, ये सीरीज को देखने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हो सकता है कि एपिसोड 1, 2 और 3 आपको समझ में नहीं आए, जैसे ही 4, 5 और 6 एपिसोड हो जाता है ना, उसके बाद आप धीरे धीरे इस सीरीज के साथ इन्वॉल्व होते जाओगे, आपको धीरे धीरे इस सीरीज से मजा भी आने लगेगा। देखो भाई, एक और पॉजिटिव एलिमेंट मिल गया। तो ओवरऑल गाइस, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें टोटल 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 50 मिनट के आसपास का है। तो गाइस, आप लोग इस सीरीज को सोनी लिव ऐप पर विद इंग्लिश सबटाइटल्स देख सकते हो। सीरीज में थोड़ा फाउल लैंग्वेज से तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को अपने फैमिली के साथ में देखना चाहिए या नहीं। गाइस, आपको स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी कैसा लगा है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मूवीज, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म के रिव्यू लाता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।